नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सबीना खान सरकारी आईवीएफ सेंटर से आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज एक प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ मैं। कई बार हमारे ओपीडी में पेशेंट आता है और उनको ये कहता है कि क्या मैडम आप आईवीएफ करेंगे तो इस चीज़ की 100% गारंटी है कि हमारी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो मैं उसको उस चीज़ का जवाब देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आईवीएफ प्रक्रिया इस पूरी दुनिया में या कोई भी डॉक्टर इस बात की या कोई क्लिनिक या कोई अस्पताल इस बात की गारंटी ले ले कि 100% प्रेगनेंसी होगी। आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पुरुष के शुक्राणु लेते हैं और महिला के अंडे लेते हैं और एक भ्रूण बनाते हैं, यानी एक एम्ब्रियो बनाते हैं और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं महिला के अंदर। जो भी कमियाँ एक मेल या औरत या आदमी में होती है प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए, उस चीज़ को हम ओवरकम करके हम ये प्रक्रिया करते हैं। यानी हम एक तरह से देखा जाए तो एक आईवीएफ का जो पेशेंट है उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपना कंसेप्शन आगे बढ़ा ले और प्रेगनेंसी करे। अगर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि 100% आईवीएफ सक्सेसफुल ही होता है या 100% प्रेगनेंसी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी या नॉर्मल कपल है जिसमें मेल फीमेल दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो रेगुलर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और कंसीव करना चाहते हैं, तो उसमें भी 15-20% ही लोग सक्सेसफुली कंसीव करते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी आईवीएफ के पेशेंट हैं उनको नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि 100% आईवीएफ में हो जाए प्रेगनेंसी हो जाए। दो चीज़ें हैं जो हमें और आपको समझनी होगी। एक तो ये है कि हम एम्ब्रियो कैसा बना रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, उसमें तो हमारे बहुत ढेर सारे रिसर्च हो गए हैं और बहुत ही हमने कोशिश करके कि हमारा day 4 day 5 ब्लास्टोसिस्ट और उस टाइप की हैचिंग और बहुत ढेर सारी तकनीक साइंटिस्ट या डॉक्टर ने करी है जिससे कि अच्छा फर्टिलाइजेशन हो सके, या एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने करी है जिससे कि बहुत अच्छा हम एम्ब्रियो बना लें। मगर अभी बहुत से रिसर्चर्स बाकी हैं जिसमें इम्प्लांटेशन के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में अगर ऐसा कोई तकनीक कोई साइंटिस्ट डेवलप कर लेता है जिससे ये इस बात की गारंटी दी जा सके कि हाँ एक अच्छा एम्ब्रियो बन गया है या भ्रूण बन गया उसकी प्रेगनेंसी होगी ही होगी, वो नहीं कह सकते फ्यूचर में क्या होगा। मगर अभी फिलहाल वक्त के लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि 100% गारंटी होती है आईवीएफ की। जब भी हम कभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, अगर हमने 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया तो हम ये मानते हैं कि 40% चांसेस है या 50% चांसेस है। अगर हमने 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, हम एम्ब्रियो जब ट्रांसफ़र भी करते हैं वो हम एक नहीं करके 2 या 3 इसलिए करते हैं ये ताकि उसके चांसेस ऑफ फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकें। मगर 100% नहीं हो सकता है कि 100% अगर आईवीएफ कराया जाए तो उसमें प्रेगनेंसी होगी ही होगी। अब आशा करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा वो देखा जाए, और मतलब जैसे जिस तरह से इस रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो नहीं कह सकते, फिर भी एक उम्मीद रख सकते हैं कि अच्छा सा अच्छा तकनीक आए जिससे और बेहतर से बेहतर हम अपने पेशेंट्स को रिजल्ट दे सकें। और लेकिन फिर भी लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आईवीएफ में 100% प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको आपके लिए उपयोगी साबित हो। और नमस्कार दोस्तों।